कुर्मी किसान कल्याण समिति द्वारा सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में प्रयागराज झूसी में मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या का प्रयास सिगरेट से जलाए जाने के संबंध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया एवं अपनी मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे सभी अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार की सुरक्षा किया जाए एवं छात्रा को उसके साथ हुई घटना एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश पटेल जिला संरक्षक, राम भरोसे आनंद, रमाकांत वर्मा, राजबली वर्मा के साथ कुर्मी किसान समिति के साथ तमाम नेता शामिल रहे। विगत दिनों प्रयागराज में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की किए हुए लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि आरोपी गिरफ्तार किए जाएं, उनको फांसी की सजा दी जाए और पीड़िता को न्याय मिले और एक सरकारी नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया जाए। कहाँ का प्रकरण है ये? प्रयागराज झूसी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती क्या करेंगे आप? मांगी नहीं मानी जाती तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। ये प्रयागराज जनपद के झूसी थाना में जो एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक रूप से रैप किया गया, लूटपाट किया गया, मारपीट किया गया है, उसकी प्राथमिकी दर्ज है झूसी थाने में और ऐसी धाराओं में भी दर्ज है कि तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो किसी न किसी राजनेता के दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रही है। इस विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मांग करते हैं कि जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और जो हमारी पीड़िता है उसको कम से कम एक सहायता के रूप में उसे 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी उसे दी जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आज जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं और एक उसकी सीमा होगी कि हम ज्ञापन भेज रहे हैं। ज्ञापन भेजने के बाद भी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक व्यापक रूप से आंदोलन छेड़ जाएगा, उस आंदोलन को ये सरकार झेल नहीं पाएगी। गिरफ्तारी इसमें हुई है, इसमें लगे आपको? नहीं, गिरफ्तारी उसमें 2 लोग की है और तमाम उसमें ऐसे लोग हैं जो उसमें दोषी हैं और दोषी लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो उसमें दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नामजद लोग हैं। नहीं, अभी आपने जैसे राजनीतिक पार्टी का नाम लिया, इसमें ऐसी कौन सी पार्टी है जो इसमें इसमें मिल रहा है? कोई भी पावरफुल पार्टी है इतना हम लोग नहीं जानते हैं कौन किसका दबाव है, लेकिन जब गिरफ्तारी की धारा है और पूरे प्रदेश में अगर एक जन समुदाय मांग कर रहा है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब है किसी न किसी का दबाव है। अगर उसमें कोई गिरफ्तारी की धारा ना होती तो हम बात करते कि ठीक है, उनके पुलिस के हाथ पांव बंधे हैं, लेकिन जब गिरफ्तारी की धारा है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए अगर एक समाज, एक प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं। आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, अगर इसके बाद भी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से आंदोलन, बड़ा आंदोलन, चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे हम। कोई समय सीमा भी निर्धारित है इसकी? अब कम से कम 4-6 दिन तो हम लोग देखेंगे ही। अयोध्या जनपद के सदर तिकुनिया पार्क में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा ईवीएम मशीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन किया गया एवं अपनी 11 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मुख्य मांगे उपरोक्त मुद्दों की गंभीरता एवं उनकी तीव्रता को ध्यान में रखकर और वर्तमान केंद्र सरकार के संविधान विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी व्यवहार को देखकर लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा करने हेतु तुरंत प्रभाव से ऐसी संविधान विरोधी नीति को रोका जाए, अन्यथा देश में अराजकता का माहौल निर्माण हो सकता है। अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो इससे भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जमीर राणा, रामधारी दिनकर, बंसी लाल यादव, गुरु प्रसाद आजाद, अमरनाथ चौधरी, उमा शंकर यादव, सुखमती देवी, पुष्पा गौतम, दीपक नारंग के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतागण एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग यहाँ बैठे तिकुनिया पार्क में, क्या मामला है? हम लोग जो ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में जजमेंट दिया और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ने आर्डर दिया हुआ, लेकिन चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए भी तैयार नहीं है और पेपर ट्रेल मशीन जो कुछ जगह लगा भी रहा है उसकी जो रसीद निकलने वाली है उसकी गिनती करने के लिए वो तैयार नहीं है।
अगर गिनती नहीं करेगा तो उस पेपर ट्रेल मशीन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और जो घोटाला पकड़ने वाला जो मामला है वो परिपूर्ण तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू किया गया है, 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर बहाल किया जाए, क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर से SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है विश्वविद्यालय में वो ख़त्म हो रहा है, और जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया है या संवैधानिक है इसको वापस किया जाए। और इस देश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगा फसाद हो रहा है, आज तक 1952 से लेकर के आज तक में आज तक किसी भी सरकार ने दंगा नियंत्रण कानून नहीं बनाया है। हम लोग ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिल करके ये डिमांड करते हैं कि इस मामले को सामने लाया जाए और कम्युनल वायलेंस प्रोविंशियल एक्ट बनाया जाए, ताकि इस देश में जो दंगा है उसको नियंत्रित किया जा सके। और ऐसे ही हमारे 9 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अभी ये आंदोलन यहाँ से शुरू होगा और हम लोग अपनी अपनी सारे लोग मिल करके गिरफ्तारी लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक नारंग है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का मंडल सिंह। यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आपके पास? हमारे यहाँ से सुहावल से फैजाबाद में जितनी तहसील हैं, जितने ब्लॉक हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं, और शहर के बहुत सारे हमारे दूर दराज से लोग चल रहे हैं। और आप भी यहाँ पर आए, क्या है विशेष? देखिए, जैसे मुझे पता चला कि ये जो बैलेट पेपर का और EVM का मुद्दा है, तो मैं इस धरने में बगैर किसी उसके यहाँ दौड़ कर आया, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव का जो तरीका है वो अपनाएंगे। जब संदिग्ध है EVM, संदिग्ध है, तो संदिग्ध EVM मशीन से चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि संविधान की किस धारा के तहत EVM से चुनाव कराया जाता है, जबकि EVM एक मशीन है, मशीन में खराबी हो सकती है, और कोई भी संतुष्ट नहीं है तो जबरन ये जो EVM से चुनाव कराने की बात है ये क्यों किया, ये एक सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से ये जो EVM है ये पूर्ता सेट हो, और अगर कहीं से कहीं तक सेट नहीं भी है तो जब जनता की मांग है कि EVM हटाओ तो हटाओ। आचार संहिता लगने जा रहा है, और क्या लगता है आपको, ये EVM ही होगा कि? देखिए, अगर EVM नहीं भी हटती है, सरकार किसी की भी बनेगी, तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा, और फिर पाँच साल पूरी तरीके से फिर ये आरोप प्रत्यारोप से निकल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कहीं से कहीं तक कोई भी कार्य और दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए अभी से इसको ऐसा करना चाहिए। जैसे भी आपने कहा सरकार क्या इसकी बने, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, तो क्या आरोप प्रत्यारोप से ही काम चल जाएगा? अगर ये EVM से चुनाव कराएंगे तो आरोप प्रत्यारोप के आगे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, विरोध होता है, कहीं ना कहीं से भी झेलना पड़ेगा। अगर विरोध, जैसे आज आप लोग यहाँ पर जेल भरो का आंदोलन कर रहे हैं, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर जनता नहीं चाहती है EVM से, तो EVM से चुनाव नहीं होगा। EVM के चुनाव कराने में ये भी डर है कि ठीक उस दिन जिस दिन EVM से चुनाव हो रहा हो, कहीं ना कहीं से उसको तोड़ने का, रोकने का और तमाम तरह का कार्य हो, जिसका माहौल भी खराब होगा। इससे पहले कि वो दिन आए, इस पर गंभीरता से सरकार को, तमाम एजेंसियों को बात करनी चाहिए। अगला एक्शन क्या होगा भाई? अगला एक्शन तो ये पार्टी के लोग बता रहे हैं कि 5 तारीख को जो है हम लोग भारत बंद का ऐलान है, कि अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम लोग 5 तारीख को भारत बंद का ऐलान करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश जल निगम संयुक्त समिति जनपद इकाई अयोध्या मंडल ने सरकार की नीतियों से नाराज होकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने कैंप कार्यालय सिविल लाइन अयोध्या पर धरना दिया। धरने में मुख्य 3 मांगे हैं, जिसको लेकर जल निगम कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रथम मांग, जल निगम में सप्तम वेतन मान लागू किए जाने हेतु शासकीय विभागों में लागू सप्तम वेतन मान संबंधी शासनादेश दिनांक 20, 22 एवं 23 दिसंबर 2016 को जल निगम पर यथावत लागू किया जाए। दूसरी मांग, जल निगम को पूर्वतः शासकीय विभागों में परिवर्तन किया जाए। शासकीय विभाग बनाए जाने की प्रक्रिया में जब तक समय लगता है तब तक पेंशन एवं वेतन कोषागार से संबद्ध किया जाए। धरने का 4th दिन रहा। जल निगम कर्मी ध्यान आकर्षित करने हेतु धरना प्रदर्शन अपनी पीड़ा व्यक्त की। इस धरने में मुख्यतः पंकज श्रीवास्तव कर्मचारी महासंघ, मनोज श्रीवास्तव, गोपाल नारायण तिवारी, DK कनौजिया, संजीव कुमार, रामजी मिश्रा के साथ जल निगम के कर्मचारी व नेतागण शामिल है। बताए भैया,
हमारी जो है पहला मांग है सप्तम वेतन मान लागू किया जाए और राज्य कर्मचारियों के बाद हमें भी सप्तम वेतन मान दिया जाए। दूसरा है हम आपको एक एक छः से एरियर दिया जाए और तीसरा है कि जो है हमें जो है राज्य कर्मचारियों के बाद जो है हमारा जो है सरकारी विभाग बनाया जाए। जब तक विभाग नहीं बन जाता है तब तक हमें ट्रेजरी से भुगतान किया जाए। अभी आपका आंदोलन चल रहा था यहाँ पर आंदोलन और क्या निष्कर्ष निकला आज आप लोग यहाँ? अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी तक जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? ये पिछले एक महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप अभी तक सरकार ने कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया है। हमारे 30,000 कर्मचारी नहीं बल्कि 30,000 परिवार पूरे तंगहाली के हालत में आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप मतलब हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए कि ये स्थिति जो है क्या चाहती है सरकार। हमारे यहाँ इतने लोग सब धरने पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, क्रमिक अनशन हमारे मुख्यालय पे चल रहा है जहाँ पे डेली के डेली लोग 24 घंटा जाके अनशन पे बैठे हैं। कल से हम लोगों का आमरण अनशन शुरू होने जा रहा है और असहयोग आंदोलन शुरू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 30,000 कर्मचारियों को ना देखें बल्कि 30,000 परिवारों को देखें कि ये 30,000 परिवार एकदम तंगहाली में आ गए हैं। इतनी महंगाई कहीं हर जगह आप दुकान पर जाते हैं क्या लिखा रहता है, आज नगद कल उधार। हमारे यहाँ वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग इस समय दिसंबर का वेतन प्राप्त हुआ वो भी अभी प्राप्त हुआ है, ये फरवरी बीत गई, जनवरी फरवरी किसी का वेतन हमें नहीं मिला है, पेंशन नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति में कैसे गुजारा करेंगे लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास अब एक ही चारा बचता है कि अब असहयोग आंदोलन और एकदम से आमरण अनशन जो होगा वो देखा जाए। ये कब से चलेगा अनशन? कल से हमारा स्टार्ट हो गया है। ये क्रमिक होगा कि नहीं? अभी तो क्रमिक चल रहा था, अब कल 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम लोगों का असहयोग आंदोलन है। अच्छा, इसका ज्ञापन आपने किसी को दिया है? ज्ञापन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जा रहा है, कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। आचार संहिता भी लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, इसीलिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक में असहयोग आंदोलन कर रहे हैं और 5 के बाद में सामूहिक अनशन पर सब बैठ जाएंगे। सरदार होंडा के दूसरे भव्य शोरूम का उद्घाटन निकट पराग डेरी ब्रह्म बाबा के सामने अयोध्या में जोनल इंचार्ज रितेश श्रीवास्तव और चमन लाल द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर सरदार होंडा के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह गांधी, परमजीत सिंह गांधी और गगनदीप सिंह आज सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरदार होंडा के सेल्स मैनेजर दीपक सिंह, सर्विस मैनेजर अनूप द्विवेदी ने बताया कि अयोध्या व उसके आसपास के निवासियों को गाड़ी खरीदने व सर्विस करने के लिए फैजाबाद आने में बहुत परेशानी होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए होंडा कंपनी ने सरदार होंडा को अयोध्या में एक नया शोरूम खोलने की अनुमति दी। आज उसी का भव्य उद्घाटन करने के लिए फैजाबाद अयोध्या के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंपनी के प्रोप्राइटर परमजीत सिंह ने बताया कि जितने मॉडल होंडा बाइक्स एवं स्कूटर्स आते हैं वह सारे हमारे यहाँ दोनों शोरूम में सिविल लाइन व पराग डेरी निकट ब्रह्म बाबा के सामने उपलब्ध रहेंगे। हमारे यहाँ कंपनी से संबंधित बाइकों की एसेसरीज भी उपलब्ध रहेगी और ग्राहकों की विशेष सुविधा के लिए टेस्ट ड्राइव की सुविधा भी दी जा रही है, जिसके लिए पहले होंडा की बाइक व स्कूटर को चलाकर जब ग्राहक संतुष्ट हो जाए तब बुकिंग कराए। विशेष हम छूट की बात करें तो पहले हमने आज एक दिन यहाँ पे सरदार होंडा परिवार यहाँ एक हमने नया शोरूम दिया और उसका कारण ही सबसे बड़ा ये है कि ये इस रोड में ऑटोमोबाइल शोरूम अभी तक नहीं था और अगर हम ज्योग्राफिकली देखें फैजाबाद को तो आज की डेट में अयोध्या कमर्शलाइज हो रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई घर हैं यहाँ पे, उनकी सुख सुविधा के लिए उनको सेल से लेकर सर्विस और होंडा की जितनी भी स्कीम्स आएंगी वो सब उनको यहाँ से अवेलेबल है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि भाई अयोध्या मानीगंज आसपास के जितने एरिया हैं वो सब जितने भी हमारे ग्राहक हैं या होने वाले ग्राहक आज क्या ऑफर दे रहे हैं? आज जैसे आज का अगर आप ऑफर की बात करिए तो सेल सर्विस दोनों में है। सेल्स में गाड़ी खरीदने पे 4 साल का इंश्योरेंस भी है जो कि ये पूरे महीने भर मार्च में चलेगा और खुशी का मौका है तो एक महीना पूरा हम देते हैं। दूसरी चीज़ की सर्विस में 40% सर्विस चार्ज में डिस्काउंट है, लेबर उसमें पार्ट्स में और मोबाइल में 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं एक महीने तक के लिए होंडा के ग्राहकों को सर्विस में और अन्य जो भी कस्टमर है सबसे जो भी आए गाड़ी लेकर। और मैं मानता हूँ कि अगर वो इस चीज़ को समझेंगे अयोध्या और अमानीगंज आसपास के इलाके के लिए, उनकी वजह से अगर ये शोरूम सफल हो गया तो मेरा मानना है 1 साल के अंदर अंदर कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश करेंगी जो कि अभी नहीं समझ पाई। क्या नाम आपका? परमजीत सिंह सरदार होंडा।
जोनल मैनेजर होंडा मोटरसाइकिल। मैं अब तहे दिल से सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जनता का कि जिन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया, और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार होंडा मिस्टर परमजीत सिंह जी का कि जिन्होंने कंपनी को ये मतलब अवसर दिया कि यहाँ अयोध्या की जनता की हम सेवा करने का लाभ उठा सके। ये शोरूम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होंडा का जो शोरूम यहाँ पे खुला है, ये अपने आप में सबसे पहला शोरूम है जो अयोध्या की पावन धरती पे खुला है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता को हम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट और सर्विस से रूबरू कराएंगे। क्या सुविधाएं आज यहाँ पर? सुविधाएं यहाँ पे सेल्स है, सर्विस है, स्पेयर पार्ट्स की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा सेफ्टी राइडिंग के ऊपर हम मतलब ग्राहकों की जो सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कंपनी, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे करते हैं। क्या छूट दी जा रही है आज, क्या स्कीमें हैं, क्या है? देखिए, स्कीम और वो तो चीज़ें बदलती रहती हैं, वो आपको बेहतर तरीके से परमजीत सिंह जी बताएंगे आपको। फाइनेंस की सुविधा है यहाँ पे, इसके अलावा जो कंपनी पे टाइम टू टाइम अलग अलग मोटरसाइकिल या स्कूटर पे, अभी जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है तो शायद 501 या 1101 रुपये का शादी का कार्ड लेके आइए और साथ में